पहले मैंने शुरुआत करी उस टाइम पे मेरे को 500 रुपए ही नहीं मिलते थे, और आज मेरा 4 साल से लगभग 45 लाख का रिटर्न भर रहा हूँ, जिसमें मेरी लगभग 10-12 लाख की शुद्ध आमदनी है और 45 लाख का वार्षिक टर्नओवर का रिटर्न भर रहा हूँ। हर किसान के मन में यही रहता है कि मैं कुछ करूं या और ज़्यादा पैसे कमाऊं। टेक्निक का जो अंतर है वो बहुत अंतर आता है। खेती सब करते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से खेती करनी है। ये बिल्डिंग, फार्म और ये बाग कोई सरकारी कॉलेज या कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। ये राजस्थान के आम से खास बने किसान का घर और खेत हैं। उनकी मेहनत और तकनीक के साथ खेती के चलते ये जगह एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर बन गई है। तकनीक से तरक्की सीरीज में मिलिए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के किसान नेमी चंद धाकड़ से। निम्बाहेड़ा के श्रीपुरा गांव में रहने वाले नेमी चंद धाकड़ आज खुद सफल किसान और किसानों के ट्रेनर हैं। उनकी खेती की शुरुआत की कहानी बहुत रोचक है। खेती की यात्रा मेरी सबसे पहले सन 2011 के बाद में शुरुआत हुई थी। मैं चित्तौड़गढ़ पढ़ाई के लिए गया था। यहाँ से पढ़ाई के दौरान मेरा संपर्क कृषि वैज्ञानिकों और उद्यान विभाग के अधिकारियों से हुआ। धीरे धीरे उनकी मीटिंगें अटेंड करना, उनका जो भी भ्रमण होता था उनमें भ्रमण करना, और विशेष रूप से उनका जो एक दाल बाटी का जो था वो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग में बनती थी, तो हमें वो एक लालच हो गया कि चलो हमें मुफ्त में दाल बाटी खाने को मिलेगी और खेती का बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी। साल 2011 में नेमी चंद ने जब खेती की शुरुआत की, उनके पास सिर्फ 8 एकड़ जमीन थी। कम पानी और पथरीली जमीन में पिता और बड़े भाई परंपरागत तरीके से गेहूं, चना, सरसों और सोयाबीन उगाते थे, जिसमें मुश्किल से घर चल पा रहा था। आज उनके पास करीब 20 एकड़ खुद की जमीन है। वो आम, अमरूद, सीताफल, लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्च, अदरक की खेती करते हैं। घर में हर सुविधा और जरूरत का सामान भी है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं। पहले जिस समय हमने शुरुआत करी थी, उस समय हमारे पास में लगभग 8 एकड़ जमीन थी। फसल जो हम लगाते थे उसमें गेहूं, चना, सोयाबीन, सरसों, जो ये फसलें लगाते थे, इन फसलों से सिर्फ एक खाने का काम घर का हो जाता था। बाकी इससे अपन अगर और मतलब घर में विकास करना चाहते थे, मकान बनाना, साधन लेना, तो ये काम, जमीन खरीदना, ये काम उस खेती से नहीं हो पाता था। तो फिर हमने 2011 के बाद में खेती में हमने परिवर्तन किया, अलग अलग तरह की फसलें लगाई, तो उससे हमें बहुत अच्छी आमदनी हुई। आज हमारे पक्का मकान बन गया है, सब तरह का हमारे घर में साधन आ गया है, और हमने जमीन खरीदी है। अभी हमारे पास में लगभग 18-20 एकड़ जमीन है। किसान भाई नेमी चंद कहते हैं, हर किसान खेती से कमाई करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग बस मजबूरी में खेती करते नजर आते हैं। खेती से कमाई करनी है तो कुछ अलग खेती करनी होगी, नई तकनीक अपनानी होगी। टेक्निक का जो अंतर है वो बहुत अंतर आता है। बहुत सारे किसान क्या है कि बस खेत में फसल बीज डाल के आ जाते हैं और फिर वो उसको लास्ट में देखने जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा आमदनी नहीं होती है, फसल ख़राब हो जाती है। खेती सब करते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से खेती करनी है। अलग तरीके में जैसे सबसे पहले तो जैसे बेड़ बनाना, 1 मीटर की चौड़ी होती है और 1 फीट की ऊंचाई पे, उसके ऊपर ड्रिप और मल्चिंग लगाना। ड्रिप से क्या है, पानी की बचत होती है। कम से कम पानी में अच्छी से अच्छी फसल किसान इस विधि से ले सकते हैं। 80-85% पानी की बचत होती है ड्रिप इरीगेशन से। मल्चिंग लगाने से एक तो खेत में फालतू की खरपतवार नहीं होती है, और एक खरपतवार के साथ साथ में जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो फंगस जनित बीमारियां होती हैं, और कीट भी उसमें कम लगता है मल्चिंग लगाने से, और एक पानी की भी उससे भी बचत होती है। जैसे उसमें भाप बनी रहती है तो पानी हवा और धूप से जल्दी उड़ता नहीं है। नेमी चंद अब रेज बेड पर खेती करते हैं।
सोलर सिस्टम लगाया है, ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। नेमीचंद कितने कुशल किसान हैं और कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल कर वो खेती से कमाई कर रहे हैं, वो उनके स्ट्रॉबेरी की खेती के तरीके से समझा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी में हम मेवाड़ की इन विपरीत परिस्थितियों में स्ट्रॉबेरी की फसल को मतलब एक आधुनिक टेक्निक से इसको संभव किया है। इसमें जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो टेम्परेचर को हमने लो करने के लिए इसमें माइक्रो या मिनी स्प्रिंकलर चलाते हैं, जिससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और इसमें ड्रिप सिस्टम से और मल्चिंग सिस्टम से इसको करते हैं, तो इस टेक्निक से ये आराम से आसानी से हो जाती है। नेमीचंद ने तरक्की का रास्ता एक दो दिन में पूरा नहीं किया, बल्कि इसके लिए बहुत मेहनत की। 4-5 साल तो नेमीचंद को खुद कमाई देने वाली खेती को सीखने समझने में लग गए। इस बीच कई बार मुश्किल वक्त आया, कई बार नुकसान हुआ तो हताशा ने भी घेरा, लेकिन जब फसलों ने मुनाफा देना शुरू किया तो नेमीचंद की जिंदगी की गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ पड़ी। दो बड़े भाइयों और परिवार का साथ मिला तो उन्होंने खेती में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूर दूर से किसान चलकर उनके पास आने लगे, वो भी नेमीचंद बनना चाहते थे। सन 2011 के बाद में चार या पांच साल तो मेरे को खुद को सीखने समझ में और मेरे फार्म को डेवलप करने में मुझे समय बीता, और ये सारा काम मेरा सब सक्सेस होने के बाद में। फिर क्या है कि जैसे कोई भी बाहर से यूट्यूब वाले आते थे, या कोई बाहर से, मैं भी ट्रेनिंग में जाता था, दूसरी तरफ से किसान आते थे, तो मेरी जो कहानी थी वो सुन के दूसरे किसानों के भी मन में ऐसा हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ कहीं अच्छा हो रहा हो तो वहाँ देख के हम भी खेती में परिवर्तन करें। तो अभी वर्तमान में लगभग 5-6 साल से हजारों किसान अपने यहाँ फार्म पे आते हैं और कुछ सीख के जाते हैं, और अभी लगभग कई सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने हमारे फार्म पे यहाँ पे सीख के उन्होंने नवाचार किया है। नेमीचंद अपनी तरक्की का श्रेय खुद की मेहनत के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों से मिली जानकारी और तकनीक खेती को देते हैं। वो कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही मुनाफे देने वाली खेती संभव है। मिर्च और टमाटर से शुरुआत करी थी, उस टाइम पे हमने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेके जो काम किया था उसमें हम काफ़ी सक्सेस हुए, और फिर हमें एक बार सफलता मिल गई तो फिर घर परिवार वालों ने भी उस चीज़ का साथ दिया। वैज्ञानिक तरीके से जैसे मैंने खेती करी, ड्रिप मल्चिंग हो गया, और जैसे अभी है कि अभी आपको सौर ऊर्जा दिख रही है, सौर ऊर्जा से भी मेरे को बहुत सहयोग मिला है। और तीसरी बात ये है कि जैसे एक खेती में अगर मेहनत करने का अगर जज्बात हो तो खेती में किसान कुछ भी नया कर सकता है। जैसे पहले मैंने शुरुआत करी उस टाइम पे मेरे को 500 रुपये नहीं मिलते थे, और आज मेरा लगभग 45 लाख का टर्नओवर है सिर्फ खेती से। तकनीक से तरक्की के अगले भाग में आपको मिलवाएंगे एक और खास किसान से। देखते रहिए न्यूज पोर्टली, अपनाते रहिए खेती में तकनीक। हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो आज किसान अपने फार्म पे लगा सकते हैं और उससे अतिरिक्त फायदा किसान भाई ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में ये सोलर पंप लगा हुआ है, तो इस सोलर पंप से जैसे हमारे फसल में किसी भी टाइम दिन में अगर पानी देना हो तो हम इसे पानी दे सकते हैं, ड्रिप चला सकते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर, जैसे दिन में तेज गर्मी हो रही हो और उस टाइम पर अगर बिजली अवेलेबल नहीं हो तो इस सोलर से अपन उसको हमारे को चला सकते हैं। ये कृषि सहायक हैं और इनसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, मल्चिंग हो गई, लो टनल है और फार्म पोंड है, इन सारी चीज़ों को लगा के किसान अपनी फसल को अच्छे से देख रेख कर सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है जैन का। सब जो बाकी जो कंपनियों का हमने ड्रिप लगाया है उससे सस्ता भी है और क्वालिटी में भी है।